पक्ष और विपक्ष में हमेशा से वार पलटवार का दौर जारी रहा है, चाहे वह चुनाव को लेकर हो या किसी बयान या किस्से को लेकर। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। तो खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। मैंने पूछा कि यह जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर या महिलाओं के सम्मान पर। सच हमेशा झूठ का सामना करता है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस हुआ। बता दें, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुंबई में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं समोसे से जुड़े किस्से को लेकर भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के समोसा कॉकस में एक वह था जो भ्रष्टाचार का प्रतीक था, दूसरा वह था जिसने अपने समोसे को खोजने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया था, और तीसरा वह था जो तेलंगाना में अपने वादों से भटक गया। कर्नाटक में दिवालियापन की स्थिति देखकर कांग्रेस अध्यक्ष दुनिया को साबित कर दिया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए झूठे वादों और घोषणाओं के कारण राज्य का खजाना डूब जाता है। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। दोनों कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर तीन निविदन की थी। अब जिन धर्मियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर चुनाव में आकर राजनीतिक धोखियां सीखते हैं, उन धर्मियों की मैं पहले बारी बारी बात करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? ग्रंथियां तो 5 साल के लिए दी जाती है, और जब हमारा चुनाव 2027 पे होना था, उन 5 साल में अपनी ग्रंथियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस के समोसा कॉकस में एक थे प्रतिमूर्ति भ्रष्टाचार के, दूसरे गायब समोसे पर सीआईडी के विचार के, और तीसरे जो तेलंगाना में वचन पूर्ति से है थोड़ा सा फरार से। आज हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस बात का गौरव है कि हमारे देश में विकास को नए स्वरूप में परिभाषित किया नरेंद्र मोदी ने, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नेतृत्व के चलते जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमने प्राथमिकता दी महिला के न्याय को, समाज के उत्थान को। लेकिन कांग्रेस का ये समोसा कॉकस जो महाराष्ट्र में झूठ का जहर घोलने आया, उनके बारे में अगर कुछ चर्चा करें तो तथ्य कुछ ऐसे हैं। आप सब जानते हैं कि कर्नाटक में हाल ही में बैंकरप्सी के हालात को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जग जाहिर किया कि जिस प्रकार के खोखले वादे और घोषणाएं कांग्रेस पार्टी चुनाव में करती है उससे राज्य के कोष को कितना नुकसान होता है। मीडिया के मित्रों से ये बात भी नहीं छुपी है कि अब तक कर्नाटका को बैंकरप्सी के कगार पर लाने वाली कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में आदिवासी समाज के और दलित समाज के उद्धार के लिए जितना पैसा था तिजोरी में प्रदेश की, उसमें से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का फंड डाइवर्ट किया ताकि वो
अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये सत्य भी आपसे नहीं छुपा कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता को लुभाने के लिए, वोट जनता को गुमराह करके पाने के लिए बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही। ना नौजवानों को कांग्रेस के राज में रोजगार मिला ना भत्ता मिला, इसलिए नौजवानों का जोश और जनता का रोष वो दिखाई दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा राजस्थान में सेवा का मौका जनता ने दिया। जो लोग हरियाणा के चुनाव में जलेबी की फैक्ट्री लगाने के इच्छुक थे, उनको करारा जवाब हरियाणा की जनता दे चुकी है। लेकिन जो पधारे समोसा कॉकस के एक विशिष्ट व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र की पुण्य धरा पर, उनको मैं बतलाना चाहती हूं कि वादे तो उन्होंने भी किए थे हिमाचल की जनता से कि बिजली का बिल कम करेंगे, बिल बढ़ा दिया। वादा तो उन्होंने भी किया था कि हर महिला को 1500 रुपए देंगे, लेकिन जब उनकी सरकार आई तो 96% महिलाओं को हिमाचल प्रदेश में इस लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया। एक सत्य ये भी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में लुभाने के लिए, वोट पाने के लिए बोलती है झूठ, सत्ता में आने के बाद करती है लूट और देश में डालती है फूट। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के मध्य में विकास के संदेश को लेकर जाते हैं, ये आह्वान करते हैं कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और ये निवेदन भी करते हैं कि इस चुनाव में महाराष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद दे। इस विश्वास को देखते हुए मुझे लगता है कांग्रेस के समोसा कॉकस का महाराष्ट्र की जनता के प्रति जो संदेश था, महाराष्ट्र की जनता उसे ठुकराएगी और भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी।